वीडियो शुरू करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर सबको सुनना चाहिए कि जब भी आप नया कैबिनेट लेते हो उसमें एलईडी एंड फैंस वगैरह ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो उसको एक बार ज़रूर चेक कर ले। उसको पोस्ट चेक की तरह भी आप लोग बोल सकते हो कि अगर फ़ैन और एलईडी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा तो उसी वक्त आप लोग रिप्लेस जो है प्लेस कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ही मदरबोर्ड लगा लोगे तो पूरा केबल मैनेजमेंट करने के बाद जब आप पीसी को ऑन करोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या वो एलईडी ख़राब था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो इसीलिए मैं इस बार पूरी तरीके से चेक कर लेने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये फ़ैन काम नहीं कर रहा पहले वाले में, ये एक्चुअली रिप्लेस प्रोडक्ट है। तो सामने की तरफ भी एलईडी ठीक तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं काम नहीं कर रहा था पहले वाले में। तो ये आपको ऑफकोर्स चेक कर लेना है अपने पुराने वाले पीसी के साथ। तो अभी जैसे एक छोटा मोटा लुक आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। वैसे पीसी को यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद मैं ऑलरेडी वीडियो मतलब ऐड कर चुका होता हूँ। आप लोग चाहे तो बिल्ड पोर्शन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ जो पुराने वाले एसएमपीएस यूज़ कर रहे हैं, उनके जो एसएमपीएस का जो केबल लेंथ है वो अगर कम है तो वीडियो को पीसी बिल्ड के टाइम ज़रूर देखें। मतलब बिल्ड नहीं बोलूँगा मैं इसको, पीसी को मतलब मदरबोर्ड ट्रांसफ़र करते टाइम वीडियो को ज़रूर देखें, स्किप ना करें, क्योंकि वहाँ पर एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइडेड ऑलरेडी है। और लास्ट में मैं कैबिनेट के जितने भी प्रोज एंड कॉन्स है उसको डिस्कस करने वाला हूँ, तो या आप लोग स्किप करके लास्ट में भी जा सकते हैं गाइस। तो मदरबोर्ड को प्लेस करते टाइम आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है अगर आपके पास मदरबोर्ड बहुत ज़्यादा पुराना है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ ये तकरीबन इंटेल का मदरबोर्ड है जो अभी मतलब मिलता नहीं मार्केट पे, और शायद ही आपको कोई कहीं भी मिलेगा। ये मदरबोर्ड काफ़ी पुराना हो चुका है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा दिक्कत मतलब फेस करना पड़ा था स्क्रूज को इंस्टॉल करते टाइम। तो दैट्स इट गाइस। अब इस वाले पोर्शन पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो एस एम पी एस है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, तो इसमें जो केबल लेंथ है वो काफ़ी कम है। स्पेशली जो सी पी यू केबल होता है, जो सी पी यू 4 पिन या फिर 8 पिन 8X होता है, उसका लेंथ बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसके लिए मैंने AliExpress से इस चीज़ को बाई किया है। इसका वीडियो डेडिकेटेड अवेलेबल है, तो अगर आप लोग चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा गाइस। और साथ ही साथ जो 24 पिन 8X कनेक्टर है उसका भी जो लेंथ है वो भी काफ़ी कम था, लेकिन थैंक गॉड कि यहाँ पे नीचे एक होल दे रखा है जहाँ से मैं अभी राउट कर रहा हूँ। तो अगर ये चीज़ नहीं होता तो शायद ही मैं इस कैबिनेट को यूज़ कर पाता। वैसे मैं इस चीज़ को ऑर्डर कर चुका AliExpress से, लेकिन अभी तक वो पहुंचा नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए ये होल काफ़ी ज़्यादा काम आया है। मैं ये मुझे बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस जो 24 पिन केबल है वो एकदम एज टू एज यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, मतलब काफ़ी जगह कम था, मतलब एकदम एज टू एज। तो यहाँ पे मैं आपको सभी को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप पुराने वाले SMPs यूज़ कर रहे हो तो ऐसा सिचुएशन बिल्कुल भी आपके साथ होना मतलब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास जो केबल लेंथ है वो काफ़ी लंबा होता है अगर आप अच्छे वाले PSU यूज़ करो। लेकिन उसको लगाने के बाद एक बार ज़रूर इस तरीके से इसको हिला के एक एक तार को बारीकी से हिला के देखें, कोई भी तार अगर टाइट फिटिंग हो रहा है यहाँ पर तो उसको आपको तुरंत निकल लेना है, क्योंकि उसके वजह से जो आपके मदरबोर्ड का जो फीमेल पोर्ट है उसको उसको हार्म हो सकता है, वो पोर्ट एक्चुअली हार्म हो सकता है क्योंकि वहाँ पे शोल्डरिंग क्या होता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ होता है कि एकदम मतलब एज टू एज मतलब चीज़ जो है एकदम एज टू एज वहाँ फिटिंग हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जो आपको एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए कि एक एक केबल्स जो है वो अच्छी तरीके से लाइटली फिटिंग हो, कोई टाइट फिटिंग नहीं होना चाहिए इसमें।
I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ निकल के आता है कि यहाँ पे आप लोग ठीक तरीके से, अगर मैं बोलूँ तो, फ्रंट में आप लोग दो ही फ़ैन इंस्टॉल कर सकते हो। अगर नीचे ये जो मैंने किया, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा नीचे किया, और यहाँ पे जो स्क्रूज़ मैंने इंस्टॉल किया है वो एक्चुअली लंबे वाले स्क्रूज़ है, ठीक है, तो जो कि आपको मदरबोर्ड के साथ, मतलब सॉरी कैबिनेट के साथ मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ैन का जो लेंथ है, मतलब हाइट है, वो एक्चुअली 5 इंच है। तो इस तरीके से अगर आप लोग एकदम नीचे से शुरू करोगे तो आप लोग 3 फ़ैन इंस्टॉल कर ही सकोगे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो फ़ैन का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो एक्चुअली हार्ड डिस्क सेक्शन में जा रहा है, तो ऊपर ये फ़ैन ज़्यादा हवा को जो है प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ऊपर मैक्सिमम आप 2 ही फ़ैन लगा सकते हो जिससे कि कैबिनेट के अंदर हवा जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई बोलता है कि 3 फ़ैन सामने लगा सकते हो तो थोड़ा ये गलत होगा। यहाँ पे एक्चुअली आप 2 फ़ैन लगा सकते हो, और ऑफ कोर्स रेडिएटर के लिए अंदर की तरफ सामने मतलब काफ़ी सारा स्पेस है, आप लोग इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो सामने की तरफ एक थोड़ा सा डेंट टाइप का है, तो इस डेंट में एक्चुअली वो आपका रेडिएटर परफेक्टली फिट हो जाएगा। और इसका जो डायगोनल लेंथ है वो भी देख सकते हो 18 इंच के आसपास है। और सेम टाइम हाइट की बात करें डेंट की, तो ये 12 इंच के आसपास है, तो काफ़ी डिसेंट है। यहाँ पे आप लोग, इसमें बोला तो गया फुल ATX मदरबोर्ड इसमें सपोर्ट कर जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा उसमें, आपको केबल मैनेजमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम इशू रह सकता है। तो फुल ATX मदरबोर्ड आप इसमें ना ही लगाओ तो बेहतर है। खैर जो भी हो, यहाँ पे ऊपर की तरफ देख सकते हो, इसमें मैंने वर्टिकल एक शूट किया है वीडियो को, तो यहाँ पे देख सकते हो फ़ैन के लिए काफ़ी जगह है, और साइड में जो है आप लोग LED इजीली इंस्टॉल कर सकते हो ऊपर के साइड। लेकिन वही अगर सेम टाइम पे बात किया जाए नीचे वाले पोर्शन पे, साइड पे, तो वहाँ पे LED इंस्टॉल आप नहीं कर सकते। यहाँ पे देख सकते हो कोई भी एक्स्ट्रा गैप नहीं है। सामने की तरफ रेडिएटर के साइड में भी आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कोई भी गैप नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है LED को इंस्टॉल करना, LED स्ट्रिप अगर आप लगाना चाहते हो, वही पीछे की तरफ पॉसिबल है। और अभी चलते हैं सामने की तरफ, ठीक है। वही फ्रंट की तरफ आप लोग थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हो यहाँ पे फ़ैन के साइड में, और इस गैप में तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो स्पाइक्स वगैरह है फ्रंट पैनल की, तो बस यही है। तो गाइस बात करते हैं नीचे की पोर्शन की, तो नीचे भी देख सकते हैं आप लोग रबर की जो ग्रिप है यहाँ पे दी गई है, जो कि वाइब्रेशन को काफ़ी हद तक कम करता है, और प्लास्टिक का इसका जो लेग्स है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, फिर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टडी है। और यहाँ पे एक नॉर्मल डस्ट फिल्टर दिया गया है। तो नीचे की तरफ आपको और कुछ नहीं मिलता, बहुत ही डिसेंट सा चीज़ दिया गया है, लेकिन मटेरियल जो काफ़ी है ना, मतलब मटेरियल जो दिया गया है वो काफ़ी हार्ड है, मुझे बोलना पड़ेगा। तो गाइस बात करें ऊपर की, तो यहाँ पे देख सकते हो 2 फ़ैन तो आप लगा ही सकते हो डस्ट फिल्टर के साथ। साथ ही साथ यहाँ पे जो IO पोर्ट है वो अलग से डिज़ाइन किया गया है, जी अगर आपको इस तरीके की चीज़ पसंद है कि अलग से जो है आपको IO पोर्ट का जो पैनल है वो चाहिए, तो ये कैबिनेट आपके लिए एकदम परफेक्ट है। और इसमें एक प्रॉब्लम होता है कि अंदर की तरफ इसका जो केबल्स है वो मैनेज करना पड़ता है थोड़ा बहुत। और साथ ही साथ अगर आप नहीं चाहते कि फ्रंट पैनल को हटाते वक्त बहुत सारा तार का जो बंच है वो आपके नहीं है हाथ में, तो इस तरीके कैबिनेट काफ़ी मतलब आसानी हो सकता है इस कैबिनेट के साथ आपको उस चीज़ में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जब आप क्या प्लास्टिक को निकालते हो सिर्फ एक ही तार बाहर आता है, जो कि इसका LED स्ट्रिप का तार है, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है यहाँ पे। और साथ ही साथ इस प्राइस में आपको टेम्पर्ड ग्लास मिल रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और टेम्पर्ड ग्लास को जब आप स्क्रूज़ को खोलते हो ना, टेम्पर्ड ग्लास डेफिनेटली नीचे नहीं गिरता है, तो ये सब कैबिनेट में आपको मिलता नहीं है, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और साथ ही साथ अगर मैं बोलना चाहता हूँ इस कैबिनेट को किस टाइप का जो है, किस टाइप का मदरबोर्ड के साथ जो है आप लोग पेयर कर सकते हो, तो यहाँ पे मदरबोर्ड के लिए तो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा गया है कि फुल ATX सपोर्ट करेगा, माइक्रो ATX, मिनी ITX, तो मिनी ITX तक ठीक है, लेकिन फुल ATX आप इसमें ना ही लगा तो ही बेहतर है। क्योंकि अगर आप लोगों ने 300TG को देखा है तो उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो उसमें जो है फुल ATX मतलब ATX वाला जो साइज़ है वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाता है, और केबल मैनेजमेंट का जो फंडा है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से जो है मैनेज हो पाता है। लेकिन यहाँ पे फुल ATX आपको मतलब ATX मदरबोर्ड लगाओगे तो केबल मैनेजमेंट का थोड़ा दिक्कत आ सकता है आपको।
सो ये था वीडियो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज मैं ऐसे ही पीसी एंड टेक्निकल रिलेटेड वीडियो जो है लाता रहता हूँ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड लास्ट ऑफ ऑल हैप्पी गेमिंग।